आज के क्लास है वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम मतलब समय और कार्य। ठीक है, समय के साथ साथ कार्य होता है, वर्क एंड टाइम। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि किसी काम को 80 दिन में करता है, ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन कार्य किया, फिर बी उसे 42 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए जो है किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, और यह किया कितना, 10 दिन कार्य किया। इसका मतलब है ए जो काम किया 10 दिन में वह कितना हुआ, तो 10/80, क्योंकि एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/80। 10 दिन काम किया है तो 1/10 क्या हो जाएगा, 80, यानी गुना हो गया, तो ये कट जाएगा 1/8। तो 10 दिन में ये कार्य इसका इतना हुआ। ठीक है, अब सवाल है कि काम कितना बच गया, तो टोटल कोई भी कार्य हमेशा एक होता है, तो शेष कार्य जो रह जाएगा, शेष कार्य तो टोटल कार्य 1 होता है, 1/8 हो चुका है, यानी यह जो कार्य बच गया 1/7/8 आ जाएगा, कितना जाएगा, 7/8 आ जाएगा, और शेष कार्य को जो बचे कार्य है उसे बी 42 दिन में पूरा करता है। बी जो है 7/8 कार्य को 42 दिन में पूरा करता है, तो यह जो है इस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो 7 × 42 और 8 × 48। तो बी जो है अकेले अगर किसी काम को, इस काम को करेंगे तो 48 दिन में। प्रश्न कहता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी। ठीक है, कितने दिन में करेंगे, तो ए का एक दिन का कार्य कितना है, 1/80, और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 1/48। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 480। ठीक है, 8 × 48, ठीक है, 6 मरतबे कट जाएगा ये, और ये 48 है तो 10 मरतबे। ठीक है, ये हो जाएगा 10 × 16/480, 16 × 48 एट मीन्स 1/30 दिन है ना, 1/30। ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/30 होगा, अर्थात ए और बी दोनों मिलके जो काम करेगा, ए और बी मिलकर काम करेगा तो वह 30 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, इस तरह से वर्क एंड टाइम का प्रश्न आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं।